नमस्कार, हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। हिंदी भाषा के पाठ्यपुस्तक सारंगी की कार्यक्रम श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूँ मैं कुछ अपनी कहने तो कुछ आपकी भी सुनने। आज हम पढ़ने वाले हैं एक पाठ जिसका नाम है तोसिया का सपना। अब बच्चों, सपने तो हर कोई देखता है, देखते हैं ना आप भी। तो जो सपने होते हैं वो हमारी सोच को नई उड़ान देते हैं, लेकिन जब ये सपने सच नहीं होते तो हमें दुख भी देते हैं। ये वही सपने हैं जो कभी कभी हमें अतीत की यादों में ले जाते हैं, तो कभी कल्पनाओं की दुनिया में। ऐसे ही होते हैं हमारे सपने। अरे, एक बात तो मैं भूल ही गई कि आज तोसिया ने क्या सपना देखा, जानना चाहेंगे? तो चलिए हम और आप मिलकर देखते हैं तोसिया का सपना इस कहानी के जरिए। एक दिन तोसिया ने सपना देखा। तोसिया बहुत सपने देखती है। वो उठकर सपनों के बारे में बात भी करती है। तोसिया को सपना आया कि दुनिया के सारे रंग उड़ गए हैं, कहीं कोई रंग नहीं बचा। उसने देखा कि सब कुछ सफेद सफेद हो गया है। तोसिया उठी और सपने को याद करने लगी। वो एकदम से घबरा गई। तोसिया सोचने लगी, क्या सचमुच रंग गायब हो गए हैं? तोसिया रसोई में गई। वहां बहुत सारे रंग बिरंगे मसाले रखे हुए थे। लाल मिर्च, जीरा, हल्दी, धनिया और मेथी। तोसिया उठकर बाहर बगीचे में गई। वहां रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। गेंदा, चमेली, सदाबहार, गुलाब, सूरजमुखी। तोसिया ने देखा कि उसके कपड़ों में रंग हैं। मम्मी पापा के कपड़ों में भी रंग हैं। घर में भी खूब सारे रंग दिख रहे थे। तोसिया मम्मी के साथ बाजार चल पड़ी। वहां खूब सारी रंग बिरंगी सब्जियां थी। गाजर, बैंगन, टमाटर, मटर। बाजार में पतंग की दुकान भी थी। दुकान में खूब सारी रंग बिरंगी पतंगे थी। पीली, नीली। मम्मी चुन्नी की दुकान पर गई। वहां खूब सारी रंग बिरंगी चुन्नियां थी। गुलाबी, फिरोजी, आसमानी। बाजार में गुब्बारे वाला खड़ा हुआ था। उसके पास खूब सारे रंग बिरंगे गुब्बारे थे। नीले, पीले, हरे। तोसिया ने खूब सारे रंग देखे। वो खुश हो गई कि रंग गायब नहीं हुए हैं। वो रंगों को गिनने लगी। तोसिया घर आकर दोपहर को सो गई। उसने उठकर देखा कि नानी की सहेलियां आई हुई हैं। उन सबके बाल सफेद सफेद हैं। तोसिया को एक बात याद आई। वो रात को नानी के साथ सोई थी, इसलिए सपने में सब सफेद सफेद दिखा होगा। तोसिया नानी के बालों को गौर से देखने लगी। वो नानी के बालों को छू छू कर देखने लगी। तोसिया सोचने लगी कि नानी के बाल सफेद क्यों हैं? उसने नानी से पूछा, नानी, नानी, आपके बालों का रंग कहां गया? नानी बोली, अरे तोसिया, पहले मेरे बाल भी काले थे। मेरे बालों का रंग तोसिया तेरे बालों में चला गया।
आपको पता है ना कि तोसिया का सपना हमने एक पाठ जिसके अंदर आपको एक कहानी सुनाई जिसमें तोसिया अपना एक बहुत ही प्यारा सपना देख रही थी और उस सपने में उसने बहुत कुछ देखा, रंगों की बातें बहुत सारी की उसने। अब क्या क्या रंग देखे ये तो आपको पता ही है, पता है ना? जी मुझे मालूम है। तो क्यों ना तोसिया के सपना से जुड़े हुए हम आपसे कुछ सवाल करें। बिल्कुल, तो आप तैयार हैं ना मेरे साथ बातचीत के लिए? तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं अपना बातचीत का सिलसिला। तोसिया का सपना कहानी आपने देखी तो उससे जुड़े हुए कुछ सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं, आपके भी जहन में आ रहे होंगे। तो मेरा पहला सवाल ये है, क्या आप कभी कोई सपना देखकर खुशी या फिर डर से उठे हैं? जरूर उठे होंगे, तो जरूर मुझे बताइए, लिखकर बताइए या अपने माता पिता से साझा करिए, दोस्तों को भी बता सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की ओर, वो ये है कि अगर ये रंग ना होते तो क्या होता, जरा सोचिए, है ना? कितना बुरा लगता ना अगर ये हमारे आसपास रंग नहीं होते, बिल्कुल सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप ये बातें अपने माता पिता, दोस्त या फिर शिक्षकों से भी साझा कर सकते हैं। अच्छा लगा ना हमारा बातचीत का सिलसिला? तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर जिसका नाम है खोजे जाने। इस अभ्यास में आपको क्या करना है, जो भी वाक्य दिए हुए हैं यहाँ पर उनको क्रम से लगाना है। अगर आपने तोसिया का सपना कहानी बहुत ध्यान से पढ़ी होगी तो आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो शुरू करें इस अभ्यास को। यहाँ पर हमारे वाक्य लिखे हुए हैं, कहानी का क्रम खोजिए फिर उसे पढ़कर सुनाइए। पहले लिखा हुआ है, तोसिया ने नानी से उनके सफेद बालों के बारे में पूछा, ठीक है? अगला है, तोसिया बाजार गई जहां रंगीन पतंगे, चुनिया और गुब्बारे थे। फिर है, तोसिया बगीचे में गई जहां तरह तरह के रंग बिरंगे फूल थे। अगला है, तोसिया ने सपना देखा कि सब कुछ सफेद हो गया है। अगला, आगे बढ़ते हैं, तोसिया ने रसोई में रंगीन मसाले देखे। और आखिरी हमारा वाक्य है, तोसिया घर आकर दोपहर को सो गई। तो प्यारे बच्चों जितने भी मैंने क्रम बताए हैं यहाँ पर, वो क्रम आगे पीछे लगे हुए हैं जिन्हें आपको सही क्रम में लगाना है। अब आपने तोसिया का सपना तो देखा है और अगर आपने उसे बहुत सही से देखा है तो आप इस क्रम को सही से लगा सकते हैं कि तोसिया ने सबसे पहले सपना जब देखा तो वो उठ के पहले कहाँ गई? पहले वो रसोई में गई जहाँ उसने देखा कि जो मसाले हैं वो अपने रंग में हैं। फिर उसे याद आया कि बगीचे में जाकर देखूँ। फिर वो बगीचे गई जहाँ देखा कि फूल भी अपने ही रंग में है, वहाँ भी कुछ सफ़ेद नहीं हुआ है। इसी तरह उसने आगे क्या किया, आप इस क्रम को पूरा कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपने अगर इस कहानी को सही से देखा और समझा है तो आप इसके सभी क्रम अच्छे से आसानी से पूरा कर लेंगे। बच्चों अब बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर जिसका नाम है रसोई में रंग। अब यहाँ आपको बताना है कि तोसिया ने रसोई में कौन कौन से रंग देखे। तोसिया की रसोई में रंग थे, मिर्च किस रंग की थी सोचिए जरा। बिल्कुल सही, मैं आपकी मदद कर देती हूँ यहाँ पर। मिर्च थी लाल रंग की, हल्दी थी पीले रंग की, इसी तरह सरसों, धनिया, मेथी दाना। तो ये जितने भी खाली स्थान हैं इन्हें आप भरकर इस अभ्यास को भी पूरा कर सकते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों तोसिया के सपने को ना केवल आपने सुना होगा बल्कि उसे अपनी बचपन की यादों में महसूस भी किया होगा। इसी तरह के सपने आप लिखते रहिए, उन्हें एक नया रूप देते रहिए और अपने माता पिता, अपने दोस्त और शिक्षकों के साथ साझा करते रहिए। आपसे फिर मिलूंगी एक और नई रोचक कहानी के साथ। आप खेल खेल में सीखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।